महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव मतदान से पहले शरद पवार का इमोशनल कार्ड, राजनीति से संन्यास के दिए संकेत। बारामती में योगेंद्र पवार के लिए प्रचार करने पहुंचे शरद पवार ने संन्यास का संकेत देकर सियासी धमाका किया। शरद पवार ने कहा कि अब तक मैंने 14 चुनाव लड़े हैं, कहीं तो रुकना होगा। लोकसभा में लड़ना नहीं, किसी से युद्ध करना नहीं, और किसी से युद्ध का करें, 14 युद्ध का करें। शरद पवार के इस ऐलान पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पहले भी पवार ऐसी बातें कह चुके हैं। बैटन दूसरे को देना है तो अजीत दादा को देते तो अच्छा रहता। चुनाव आएगा तो सेंटिमेंटल बातें करने का, अपील भावनात्मक करने का, ये उनका शायद स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अभी जनता उनको माफ नहीं करने वाली। शरद पवार ने सियासत में नए लोगों को आगे लाने की बात कर बारामती में योगेंद्र पवार के समर्थन की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि अगले 30 साल योगेंद्र पवार बारामती की सेवा करेंगे। झारखंड में चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ का औरंगजेब वाला प्रहार, कहा सरकार के एक मंत्री ने झारखंड वासियों को लूटा। गेटवे ऑफ झारखंड के नाम से मशहूर कोडरमा से सीएम योगी ने चुनावी प्रचार का आगाज किया। कोडरमा में सीएम योगी ने कहा कि झारखंड भ्रष्टाचार के कारण आगे नहीं बढ़ सका। झारखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार की चंडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इन्हें मौका नहीं देना है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भी बुलंद किया। उन्होंने कहा कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे। मैं तो बार बार कहता हूँ, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बटे हैं तो निर्ममता से कटे भी है। झारखंड में दो चरणों में 81 सीटों पर वोटिंग होगी। 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन ने जारी किया 7 गारंटियों वाला घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने गारंटियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बहस की चुनौती दी। बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड की काट के तौर पर कांग्रेस ने सरना धर्म कोड लागू करने की गारंटी दी। इसके अलावा महिलाओं, किसान, युवाओं का भी ध्यान रखा, लेकिन इस दौरान खड़गे के एक बयान पर विवाद भी हो गया। यहाँ पर सीट कितने हैं? 90, 81 सीट है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस सवाल को बीजेपी ने झारखंड के सम्मान का मुद्दा बना दिया। ये कांग्रेस का ऊंचापन है, छोटापन है। झारखंड का कोई सम्मान है कि नहीं उनकी नजरों में? झारखंड चुनाव में प्रचार के लिए राहुल गांधी 8 नवंबर को मैदान में उतरेंगे। 8 नवंबर को राहुल गांधी की झारखंड में 2 सभाएं होंगी। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग से 8 दिन पहले सीबीआई का बड़ा एक्शन, नीबू पहाड़ माइनिंग केस में छापेमारी। ये छापेमारी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में हुई। सीबीआई की टीम ने झारखंड के साहिबगंज में 11, रांची में 3, कोलकाता में 1 और पटना में 1 लोकेशन पर छापेमारी की। छापेमारी में 50 लाख कैश, 1 किलो गोल्ड और चांदी की ज्वेलरी बरामद की गई। अवैध खनन का ये मामला 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने नवंबर 2023 में केस दर्ज किया था। इस केस में ईडी की टीम ने भी 8 जुलाई 2022 को साहिबगंज में करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अवैध माइनिंग के इस केस में हेमंत सोरेन के करीबी रहे पंकज मिश्रा का भी नाम शामिल है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।